जिस तट पर श्री राम जी ने किया था विश्राम, वही स्थान तलाश रहा अपनी पहचान। प्रभु श्री राम 12 वर्ष के वनवास के समय लक्ष्मण और सीता जी के साथ राम घाट पर विश्राम किए थे, यहीं पर स्नान भी किए थे। राम जी का खड़ाऊ लेकर चित्रकूट से अयोध्या वापस आते समय भरत ने भी मालती नदी के राम घाट पर स्नान कर पूजन अर्चन किए थे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आसपास के लोग इस नदी में स्नान, ध्यान और पूजा करते हैं, पर इस घाट का अस्तित्व मिटने की ओर है। इसकी पहचान खत्म होते जा रही है। घाट पर अव्यवस्था व्याप्त है, चारों ओर गंदगी की भरमार है। राम घाट पर अंत्येष्टि के लिए साल भर लोगों का आना जाना लगा रहता है। मालती नदी की उचित देखभाल और संरक्षण ना होने से स्थिति दयनीय होते जा रही है। नदी में जलकुंभी और जंगली घासों का जाल फैला जा रहा है, जिससे नदी का जल साफ नहीं रह गया है। शव यानी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने वाले लोग भी गंदगी के कारण नदी में नहाने से परहेज